बट आज मैं दादा मां जा रही हूँ, वहाँ पे स्टे करूंगी। और ये मैंने ग्रे कपड़े पहने हुए और पिंक टाइट, और मैं वहाँ पे जाके आपको सारा कुछ बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। वाओ, काफी टाइम बाद। Who brought this umbrella? आखिरी दुकान में थे चाचू एंड चची। दादो ने कहा था चाचू को लाने के लिए। यू लाइक इट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम आए हैं आमना की दादो की तरफ, और आमना ने अपनी दादो को कॉल की थी कि मैं आ रही हूँ। तकरीबन 2 मंथ से आमना नहीं गई थी अपनी दादो की तरफ, तो उनको बहुत दिल कर रहा था, तो कहा कि चले ठीक है, संडे है और आमना को ले जाते हैं। तो हम सैटरडे नाइट को गए हैं और संडे को हमने वापसी की है, लेकिन यहाँ पे आमना के लिए सरप्राइज़ था। और आमना की आ गई थी फेवरेट अम्ब्रेला, और इन्होंने अपनी दादो से कही हुई थी, तो वो इनको जी आते साथ ही गिफ्ट मिल गया बर्थडे का। और अपने बाल ठीक करें, लाए पिंस लगा दूँ, बना दूँ पोनी। अच्छा, फिर हमें नहीं पता, आमिना गई अपनी चचू और चची के साथ और बाहर गई हैं, और कैंडल और केक और वो ले आई थी, कैप ले आई थी कि मेरी बर्थडे। मैंने कहा बर्थडे तो आपकी नेक्स्ट वीक है, लेकिन चाचू ने कहा कि चलें अभी आमिना आई हैं तो हमारे साथ भी जो है वो केक कटिंग कर लें। तो जी, इस सेलिब्रेशन ने आमना को कर दिया था बहुत हैप्पी, और बस कुछ प्लान किए इन्होंने आपस में और ये लोग चले गए हैं। आमिना ने कहा है चची को या चची ने खुद प्लान किया, कुछ भी नहीं पता हमें। और केक आया है, कट किया, खाना खाया था हमने, और बस। ओह माय गॉड, करें करें पता चलेगा। हैप्पी बर्थडे आमिना, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, मैं आमिना से कह रही थी कि आपकी चलें केक कटिंग कर ली आपने, ठीक है यही है बर्थडे, और क्या करना है, हो गया। तो कहती है नहीं अभी नहीं, मैंने तो बलून्स वाली बर्थडे करनी है, पार्टी पॉपर वाली, जैसे नानो मेरी सेलिब्रेट करती है बर्थडे। तो अब नानो तो नहीं है, लेकिन अभी आमना की 5th बर्थडे है, और ये 1st बर्थडे होगी आमना की नानो के बगैर। तो देखते हैं कि संडे सेलिब्रेट करते हैं हम या नहीं करते 7th ऑफ नवंबर को, तो पता नहीं क्या करते हैं। वली, हेलो, हैप्पी टू यू वली, हैप्पी टू यू, स्माइलिंग करनी आपने, स्माइलिंग करनी। चले जी, बाय वली, हैप्पी। हमने पहले खाना खाया और फिर केक, मतलब रात खाना खाया था आमना की दादो की तरफ, और फिर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें फ़ोन आया, और मुझे जो था वो गुलशन रवि आना पड़ा अपने तैयबों की तरफ ही। आमना के बेस्ट मामू ने कॉल की थी कि आ जाएं, तो जी बस फिर वहाँ पहुँची हूँ मैं। मैं तकरीबन 4 बजे के पास यहाँ पहुँची थी, और अच्छा डे था और फुल ऑफ गॉसिप था माशाल्लाह से जी। और ये है कि पता चला कि बहुत हॉट डिस्कशंस होती रही हैं। खैर, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब दूसरों के पर्दे रखना सीखना चाहिए हमें, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, छोटे बनो सबको, कि जब भी आपको कोई राज बताता है ना अपना, तो वो आपको अपनी इज़्ज़त अमानत देता है, और उसमें कभी ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते ना कि बेशक अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल भी और ख्यालों के राज भी, तो किसी के राज तलाश ना करें, अगर नज़र आ जाएं तो उनको फाश ना करें। तो बहरहाल ठीक है जी, ये एक अच्छा डे था और सरप्राइजेस थे फुल, और यहाँ आके हमें मज़ा भी आया। और यहाँ पे हमारी नई भाभी ने हमें हरीसा, हमें नहीं हमारे भाई को, आमना के बेस्ट मामू को जो था वो हरीसा आया था, और हम सभी ने खाया, और बहुत मज़े का था हरीसा भी, और इसके साथ फिरनी भी बहुत मज़े की थी। और ये हैं हमारे खिज़र साहब। हाँ जी, खिज़र को आज क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है आपको, ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ जी, गुस्सा आया हुआ है, खिज़र का गुस्सा आया हुआ है।
क्या चाहिए? मम्मी चाहिए। मम्मी कहाँ आपकी मम्मी? किजू को क्या हो गया? गुस्सा हो गया। अच्छा जी, वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।